मुख्यमंत्री अशोक की कांग्रेस गारंटी यात्रा की शुरुआत आज से कर दी गई। मोती डूंगरी मंदिर से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसी दरमियान तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज भी वहाँ पे मौजूद रहे। तो दिखाते हैं इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले जनता तक अपनी सात गारंटी को पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने गारंटी यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को दोपहर 12 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए और यहीं से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ भी किया है। कांग्रेस की ये यात्रा सात संभागों में 12 दिन में 4,400 किलोमीटर यात्रा की दूरी तय करेगी। 7 नवंबर को जयपुर से शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा 8 नवंबर को जोधपुर, 9 नवंबर को उदयपुर, 10 नवंबर को अजमेर, 11 नवंबर को बीकानेर और 14 नवंबर को कोटा होते हुए 15 नवंबर को भरतपुर पहुंचेगी, जहां इसका समापन किया जाएगा। यात्रा में करीब 250 कार्यक्रम होंगे, जिनमें 137 कांग्रेस गारंटी संवाद, 10 रोड शो और सार्वजनिक रैलियां शामिल हैं। पार्टी अपनी 12 दिवसीय यात्रा के दौरान 1000 कांग्रेस गारंटी शिविर भी आयोजित करेगी। सीएम गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया और इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हवामहल से कांग्रेस प्रत्याशी आरआर तिवाड़ी, सांगनेर से प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज, किशनपोल से प्रत्याशी अमीन कागजी और मालवीय नगर से प्रत्याशी अर्चना शर्मा मौजूद रहे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।